प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। कहियो कैसन समाचार छे खेती पति के? ठीके छे। अच्छा अच्छा, मतलब अबरी जे छे से जे गेहूं लगेलिए त माने सब खेत अच्छा है कि? अच्छा छे। अच्छा 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 दीदी, अबरी जे नया कुछ तरीका से खेती कर रहल छिए कि? हां करै छी। कौन कौन चीज के खेती करे छी? अभी तो फिलहाल भिंडी लगेबे। अच्छा, ओकर बाद कुछ दिन के बाद मूंग भी करबे। ओ, तो मतलब भिंडी नया तरीका से लगा रहल छी ना? हां हां भैया, हम बीज बीजा अमृत से शोधन करके तब भिंडी के बीज लगा रहल। अच्छा, मतलब बीजा अमृत से बीज शोधन करे छी? हां। और तब बीज मतलब लगबे छी भिंडी? तब लगबे छी। तो नया तरीका भेले? हां नया। तो हम भी चाहे रही दीदी कि हमरा कुछ एकरा बारे में बतइयो। हाँ भैया बताइए। चलिए भैया, हम बीज शोधन जे कर छे बीजा अमृत बनायल छे और अपने के बीज शोधन करे के बारे में बता दे। ठीक छे, चलिए चलिए। अच्छा दीदी, ये बताइए अपने, ऐसे पहले अपने अपना परिचय देती है, बहुत अच्छा है। हाँ भैया, अच्छा परिचय दे दे। हमारा नाम प्रतिमा देवी छे और हम सावित्री ग्रामीण संगठन के उप सचिव छे और हमारे घर होले सबलपुर, पोस्ट मारा, थाना मरकाही, जिला खगड़िया। अच्छा दीदी, आप जो है हमरा ये बतइयो कि आप बीज शोधन जो अपने करबे कैसे कैसे किए? हाँ भैया, कोई खास ज्यादा सामान नहीं लगे छे, ये देखिए बहुत कम सामान लगे। अच्छा बस भैया, एक हाँ 100 ग्राम भिंडी के बीज लगे छे और एक 200 ml बीजा अमृत लगे छे और एक जूट के बोरा लगे छे और एक सूती कपड़ा के लगे छे और अंडी के पत्ता भी लगे छे और एक खाली बर्तन। दीदी अभी तो बड़ा कम मतलब सामान में अपने बीज के शोधन। हाँ भैया, घर एक सामान से बीजा अमृत बना लेलिए, बाहर से थोड़े कुछ न लिए। अच्छा। और अपना बीज शोधन करके आप लगा लेलिए। लेकिन कोई खर्च भी नहीं भेले और घर के सामान से ही बीजा अमृत बीजा बीज शोधन कर। अच्छा तब तो बहुत अच्छा। हाँ भैया, ये अभी जो है खाली डब्बा में बीजा अमृत डाले और बाद बीज के बीजा अमृत में डाले। अच्छा, और डाल के हाथ से मिला दे। अच्छा दीदी, आप तो में मिला दिलिए। हाँ। बाद अपने की करबे भैया? जैसे एक मिला दिलिए। अच्छा, आप एक 8 घंटा के लिए हाँ। जूट के बोरा से ढक देवे और 8 घंटा के लिए छोड़ देवे। मैंने कि 8 घंटा तक ये पानी में रहे। हाँ। प्रतिमा दीदी छिए? हाँ भैया छिए, अपने में देख लिया लिए तो दोसर काम में तब फंस गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, निकालिए सब सामान। हाँ भैया, ये सब सामग्री लगावे। हाँ, सूती कपड़ा पर छान दिलिए भैया। अच्छा, आप एक अंडी के पत्ता पर दे देवे। अंडी के पत्ता में दे के लपेट दिलिए, सूती कपड़ा में लपेट देवे। सूती कपड़ा में लपेट के और बाद जूट के बोरा में। अच्छा, मतलब जूट के भी बोरा में होता है? जूट के बोरा में भी लपेट दो। और एक लपेट करके चूल्हा के ठंडेल का छाड़ जो है राख, वो राख में के रख दे। आ नहीं तो राख नहीं रहते तो भूसा जो रहे थे वो भूसा में के रख दे ताकि गरम से अंकुर में अत 12 और 14 घंटा के। अच्छा दीदी,
जे भिंडी के बीज के बीजावरी से शोधन कैके लगबै छी, एहिसँ की लाभ? हाँ भैया, बीज शोधन करके जे लगबै छियै तऽ ओहिमे हमरा पौधा स्वस्थ रहै छै। अच्छा। और पौधा जब स्वस्थ रहे छे तो उपज ओमे ज्यादा हो छे। हां, उपज ज्यादा हो छे तो ओमे लाभ ही लाभ छे। हां, मतलब जब स्वस्थ पौधा होय के और ज्यादा उपज होते तो लाभ ही लाभ। हां, अच्छा दीदी, इस बीज शोधन अपने कर लिए, एकदम कोई सावधानी भी बरते पड़ते? हां भैया, सावधानी छे लेकिन कोई खास नहीं छे। ई छे जे एकरा बीज उपचार जे करिए ते कोई स्टील लोहा के बर्तन नहीं रहे के चाहिए। अच्छा। प्लास्टिक के रहे के चाहिए। लोहा के बर्तन में नहीं कहते, यानी प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन में करे। अच्छा। और एकरा ठंडा जगह पर रखे। ओ, ठंडे जगह में मतलब सब काम करे छे। अच्छा दीदी, कितने अच्छा काम करे छे। तो और सब दीदी के भी कुछ संदेश दिया सके छे? हां भैया, जरूर दिया। हां दीदी, हमें पिछला 2 साल से जीरो बजट पर खेती कर रहल ये, हमर स्वास्थ्य बहुत ठीक छे दीदी। और खाली हमरा स्वास्थ्य ठीक रहला से कोई अथी नहीं हुआ सके छे। जब तक सब दीदी जीरो बजट से खेती नहीं करबे और सब दीदी के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते तब तक आगे विकास नहीं होते दीदी। तो सब दीदी मिल करके केमिकल वाला खेती जे करे छे ओकरा छोड़ दिए, क्योंकि केमिकल से बहुत हानि आवे छे, सब दीदी के स्वास्थ्य पर पड़े छे। केमिकल छोड़ करके और सब दीदी जीरो बजट से ही खेती करके। दीदी, ये अपना बहुमूल्य समय दे के हमरा जे ई बीज शोधन के लिए बतेलिए, ई समय दे कर ते के लिए अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीदी, चलिए, प्रणाम।